हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 15 फुट का रामन। ये हमारे गांव के कुछ होनार बालकों ने बनाया है और इसमें हमारे सहयोगी है, जो मैं सहयोगी प्रीतम टीसी सोनी। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा अंदर स्विगी में, जिसमें पूरी जाँच की थी शिक्षा का, उसके बारे में रामन के बारे में। मैं टीकम चंद सोनी, शिक्षक और समाज सेवी, स्वर्णकार समाज नागर शेखपुर की ओर से हर वर्ष निजी स्तर पर हम दशहरे के उपलक्ष्य में जो हम रावण बनाते हैं, ये निजी स्तर पर बनाया जाता है, जिसमें हमारे सभी सहयोगी स्वर्णकार समाज बंधु इसमें सहयोग करते हैं, जिसमें रजत सोनी, गिरीश सोनी, चिंकू सोनी, रोहित सोनी और हमारे गौरव सोनी, इसमें सभी का सहयोग और साथ रहता है। और अपने स्तर पर सब मिलकर जो भी रावण बनाने में जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है, वो अपने स्तर पर हम चंदा इकट्ठा करके और इसका निर्माण करते थे। और गई साल इसमें हमने 11 फीट का बनाता है। इस साल नया जो है हमने 15 फीट का तैयार किया है ढांचा। हाँ, मतलब इस साल कुछ बड़ा किया है। हाँ, इस साल में पिछले साल है जो 11 फीट का, इस साल हमने 15 फीट का जो है किया। अगले साल 21 फुट का बनाने की हमारी कोशिश करेंगे गौरव और टीसी सोनी। और आपको इसको रावण को पास से बताता हूँ मैडम। हाँ तो लाला, आपका नाम बता दो। आपका नाम क्या है? टिंकू सोनी। और आपका नाम? गौरव सोनी। तो देख ले गौरव। आपका नाम? रोहित सोनी। और आपका नाम? सोनी। आपको टीसी सोनी हो? और आपका नाम? सोनी। और आपका? भोला सिंह। और आपका? आशीष सोनी। और ये संतोष है। और आपका नाम क्या लाला? मैं। हमारे गुरु जी इसके बारे में जानकारी बताएंगे। हाँ तो गुरु जी, आप इस रावण के बारे में दो शब्द बोलो। पहले तो आप ये चीज बताएं, इसको रावण को बनाने में आपको कितना दिन लग गया? देखो, मैं टीकम चंद सोनी, स्वर्णकार समाज नांगल शेखपुर की ओर से, शिक्षक और समाज से भी, इसको बनाने में हम 15 दिन पहले ही इसकी तैयारी कर लेते हैं। और तैयारी करने के बाद में इसकी हम कलेक्शन करके, धन इकट्ठा करके और सभी इसकी सामग्री लाते हैं और 15-16 दिन पहले से इसको बनाने का निर्माण चालू कर देते, कार्य कर देते। तो गुरुजी, जो इसमें फटाके वगैरह का योगदान रहता है, जो आप सभी का योगदान होता है इसमें, सब जो भी इसमें सामग्री आती है, जो भी है, फटाके हैं या और भी कोई ऐसे धमाकेदार चीज है, तो उसमें हम पहले से ला कर रख देते हैं, इसमें फिट करते हैं और उसी हिसाब से चलाते हैं। जैसे हाथ में लगा दिया तो हाथ गिरेगा, पैर में लगा दिया तो पैर गिरेगा, सिर में लगा दिया तो सिर गिरेगा। इस तरह अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फटाके लगाते हैं, जिससे एक एक चीज़ गिरे। जैसे जब गिरने में इसको मरने में बहुत अच्छा लगता है, फिर गिरने में मरने में। गुरु जी, अब तक इसमें योगदान किन किन लोगों ने दे दिया है? हाँ, करीब करीब हम सभी स्वर्णकार समाज के सभी लोग इसमें योगदान देते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कस्बा के हैं, मोहल्ला के हैं, इसमें सभी का सहयोग रहता है। सभी का सहयोग रहता है, बिल्कुल सभी का सहयोग रहता है। अब तक आपने तन मन धन से इसका बनाने में इसका हम सहयोग करते हैं। अब तक किन लोगों ने मतलब समर्थन कर दिया इसका? करीब करीब सभी ग्रामीण लोग इससे खुश होते हैं कि यार तुमने ये बहुत अच्छा, हर साल दशहरे पर रावण का दहन करते हैं और आप अपनी रुचि से, अपनी लगन के साथ इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं और बड़ा आनंद आता है इसको बनाने में। और हाँ, तो ठीक है। तो गुरु, आपने देखा गाइस, हमारे जो गुरु जी टीसी सोनी, इसमें जो प्रोसीजर रहता है वो 20 दिन का रहता है। 20 दिन से हमारे टीसी सोनी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वैसे गौरव भी है, जो भी मेहनत करे, दोनों ही अच्छे मेहनत करे। 15-20 दिन होते, दोनों ही ज्यादा हमारे काम के टैलेंटेड है दोनों ही। आपको बताया, पूरा रामायण बताया। और आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और कल आपको इसके रावण के साथ ही मिलेंगे जलाते समय, जब इसका मतलब अंत होगा, मतलब रावण दहन होगा जब ही मिलेंगे। ये वीडियो जब तक लिए